वो भटक रहा था और वो लोग जान के भी अनजान बन रहे थे, किसी के सुनते ही नहीं थे। वो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन क्या इतना ही काफी है कि कोई अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में दे दे? सिर्फ अच्छे दिल का नहीं, बड़े दिल वाला था, मस्त मौला। किसी का दोस्त हो तो ऐसा दोस्त हो। बहुत ही दरिया दिल लड़का था, खुद तो शौकीन था ही, लेकिन अपने साथ वालों की भी खूब खातिरदारी करता। मैं किस मुंह से उसे सुधरने को कहता, वो हर बारी पलट कर मुझसे पूछता क्या आप सुधरेंगे पहले। मैं अपने सुहाग और अपने अपनी कोख के बीच पिसी जा रही थी। अगर पति की बात मानती तो बेटा रूठ जाता, और अगर बेटे को लाड़ करती तो पति कहता कि मैं अपने बेटे को बिगाड़ रही हूं। सॉरी, वो किसी से बात नहीं करना चाहती। अच्छा होगा आप उसे अकेला छोड़ दें। मिलनसार, मस्त मौला, खुश मिजाज, बिंदास, पर भटका हुआ लेकिन दिल का साफ, चार्मिंग भी। पर जब हमें वो मिला तब वो बिल्कुल वैसा नहीं था। लेकिन ये लड़का था कौन, आपको कहां मिला, खो गया था क्या? खो दिया गया। पॉकेट में मोबाइल वॉलेट कुछ भी नहीं है। जवान लड़का है, किसी अच्छे घर का लगता है। सर, आसपास का सारा एरिया स्कैन किया बट नथिंग। साहब, सुबह कपड़े धोने निकली थी बादली लेकर, तो देखा यह लड़का पड़ा था, पास जाकर देखा तो मरा हुआ था। ये लड़का यहीं कहीं का है आसपास का? आप लोगों में से कोई जानता है इसे? नहीं साहब, इसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। इस लड़के को कहीं देखा आपने? याद नहीं आ रहा है ये यहाँ आया है या नहीं आया है, ये शायद यहाँ नहीं आया है। The number you have called is currently switched off. बेबी बंद आ रहा है उसका। मम्मी, सुनील कुछ पता चला क्या? नहीं मम्मी, वो दो जो बार में पीने बैठता तो सारे बार मैंने चेक किए पर वो कहीं भी पीने नहीं बैठा था। सुनील फिर वो गया कहाँ होगा? आप टेंशन मत लो बड़ी मम्मी, मिल जाएगा वो। अरे आया क्या? नहीं संजय जी, अभी तक तो नहीं आए, और आएंगे भी तो पहले घर जाकर ही आएंगे ना। समझ में नहीं आ रहा, बिना बताए चला कहाँ गया। एज 22 और 25 के बीच होगी, यंग आदमी। पहले सर कुचला गया फिर गला दबाया गया? हाँ, यहाँ लाए जाने के करीब 9 या 10 घंटे पहले डेथ हुई होगी। 9 या 10 घंटे पहले मतलब कल 15 दिसंबर को रात 11 और 12 के बीच। और हाँ, ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल का लेवल बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी इसने, इसके साथ साथ नशीले दवाइयों के ट्रेसेस भी मिले। मैडम, लाश की फोटो में घोड़बंदर के हर इलाके में घुमा चुका हूँ, लगता नहीं कि ये लड़का यहाँ का लोकल है। मानिक, तुम थाने वेस्ट में भी फोटो घुमाओ, मैं ईस्ट में और बाकी के इलाकों में एक टीम डिस्पैच करती हूँ। लक्ष्मण, फोटोग्राफ सारे थानों में फैक्स करवा दो, ईमेल करवा दो, सारे चैट ग्रुप्स में भी तस्वीरें पोस्ट कर दो। वैसे मर्डर तो कल रात को हुआ है, इतना जल्दी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने के चांसेस कम लग रहे हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि मर्डर कल रात को हुआ है, लेकिन मिसिंग तो पिछली कई रातों से हो सकता है ना, तब तो कंप्लेंट दर्ज की गई होगी। ये रही, परसों शाम को 5:30 बजे लग गई थी बाइक,
काउंटर स्लिप भी है मेरे पास। ये लड़का था जिसने बाइक पार्क की थी? पक्का याद नहीं है, शायद यही था। यहाँ पार्किंग लॉट में कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं साहब, कभी जरूरत नहीं पड़ती। जी जी, MS03 56Y7 मेरे बेटे की बाइक है, कहाँ मिली? क्या हुआ? उसकी बाइक कुरला स्टेशन की पार्किंग में मिली है, 15 की शाम से वही पार्क थी। कुरला स्टेशन? मैंने उस गोविंद भील वाले से भी पूछा था बड़े भैया। अरे इस बाबा को तो खूब पहचानते हैं हम, रोज ही आते हैं यहाँ पानी पूरी खाने। कल शाम अपनी दुकान से निकला था पानी पूरी खाने के लिए, पर कल तो वो आए नहीं, उनका समय फिक्स होता है। पक्का नहीं आया था? साहब झूठ क्यों बोलूँगा आपसे, मुझे तो इसलिए याद है क्योंकि वो यहाँ पर रोज आकर डबल प्लेट पानी पूरी खाते थे मीठी कम, और एक पार्सल प्लेट सेव पूरी का अपने साथ लेकर जाते थे। संजय जी ताजुब हो रहा है हमको, वो कल काहे नहीं आए? अब तो जानते हैं रोज हमको सेव पूरी खिलाते थे। पापा मैं पानी पूरी खाने जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है क्या? नहीं बेटा, तू बस खा के जल्दी लौट आ। बस यूं गया और मैं यूं आया पापा। जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर ले आइए। चैट ग्रुप्स में लड़के की दो तस्वीरें फॉरवर्ड हो रही थी, एक में उसे मिसिंग बताया जा रहा था और दूसरे में उसकी लाश को अनआइडेंटिफाइड बताया जा रहा था। मिसिंग कंप्लेन कुरला इलाके के पुलिस थाने में दर्ज थी, अनआइडेंटिफाइड बॉडी हमारे कोटबंदर यूनिट के ताबे में थी। ये फासला तय होते होते 24 घंटे और निकल गए। कब आई? मेरी नजर अभी पड़ी सर। आशीष जायसवाल? जी आशीष जायसवाल, 24 साल का है और 15 दिसंबर की शाम से गायब हुआ था। और हमें लाश मिली दूसरे दिन 16 दिसंबर की सुबह। क्या कहा पुलिस वालों ने राम भैया, आशीष मिला उन्हें? चाहिए उसे ले आइए, आज तो ऐसी खबर लूंगी उसकी, भाग के कैसे जा सकता है वो। आशीष के पापा क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कहाँ है आशीष? आशीष जायसवाल है, मेरा भतीजा। आज इसका जन्मदिन है, आज ये 25 साल का हो गया। पंद्रह दिसंबर की शाम को आशीष अपनी बेकरी से निकला। जी हाँ, आशीष के फादर रामकुमार और उसके चाचा संजय ने जब मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी तब यही बताया था। ये रामकुमार जायसवाल और संजय जायसवाल कजिन्स हैं, उस इलाके में दोनों की अपनी अपनी बेकरियां हैं, काफी फेमस है सर। ये आशीष रामकुमार की बेकरी से 5:15 बजे निकला पानीपुरी खाने? डेली रूटीन था उसका, इसलिए वो पानीपुरी वाला भी हैरान है ये लड़का उस दिन आया क्यों नहीं। मतलब उसने पानीपुरी नहीं खाई, कहीं और चला गया? डेली रूटीन क्या था उसका, मेरा मतलब पानीपुरी खाने के बाद कहीं और जाता था? जहां तक हमने पता किया ये आशीष 5:45 बजे अपनी बेकरी से निकलता था और पास के पानीपुरी वाले के पास जाता था, पानीपुरी खाता और एक सेव पूरी पार्सल करवाता था और वापस अपनी बेकरी पर आ जाता। पार्सल अपने पिता के लिए लेता? जी नहीं, अपने दोस्त के लिए, ब्रिजेश कनौजिया, ये उसकी बेकरी के सामने वाली बिल्डिंग में वॉचमैन है। ब्रिजेश भैया,
ये लीजिए आपकी सेव पूरी। अरे आप रोज रोज हमारे लिए काहे ले आते हैं? अरे है ही रोज रोज खाने वाली चीज, आप खाइए सोचिए मत। लीजिए एक ठो तो लीजिए। ना 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 ना, हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो है मिस पानीपुरी। जैसे ये आपकी गर्लफ्रेंड है ना तो वो बुरा मान जाएंगे। तो आप दोनों दूसरे से गुफ्तगू करिए, हम निकलते हैं। तरुण, ये आशीष जायसवाल की बाइक तुम्हें कुल्ला स्टेशन की पार्किंग में? जी हाँ, कल दोपहर में। ये आशीष उस भेल वाले के पास गया ही नहीं सर, उसने अपनी बाइक स्टेशन पे पार्क की, उसके बाद कहीं और चला गया। उसकी लाश के पास से हमें कोई मोबाइल नहीं मिला। तरुण, आपके पास आशीष का कोई फोन रिकॉर्ड है? आशीष के फोन रिकॉर्ड्स आज मिलेंगे फोन कंपनी से। एक्चुअली हमने रिक्वेजिशन भी लेट डाली। आशीष 15 की शाम को गायब हुआ था, पर उसकी फैमिली 16 की शाम को हमारे पास आई थी। 15 की रात भर और 16 के दिन उन्होंने खुद ढूंढा होगा आशीष को। वो लोग बता रहे थे कि आशीष को पीने पिलाने का शौक था। वो रोज शाम को अलग अलग बार में अलग अलग दोस्तों के साथ मंडली जमाता, तो उसका चचेरा भाई सुनील उसे आसपास के बार में ढूंढ रहा था, दोस्तों से भी कांटेक्ट कर रहा था। ये तो पक्का है कि आशीष किसी ना किसी बार में पीने जरूर बैठा होगा, क्योंकि उसके ब्लड में अल्कोहल की काफी मात्रा पाई गई। अब सवाल यह है कि नशीली दवाई उसे किसी पहचान वाले ने पिलाई या फिर किसी और ने? सिर्फ जयसवाल परिवार ही नहीं, अखा चौल शोक मना रहे साहब। आज आशीष का जन्मदिन था ना? हो साहब, पार्टी रखी थी उसने, घर घर जाके न्योता दिया। अब देखिए आज उसी की अर्थी उठ रही है। अच्छा, सुनने में आया ये आशीष काफी पीता था। हो मैडम, बाप बेटे दोनों पीते थे, लेकिन ना तो कभी किसी का बुरा चाहा और ना ही किसी का बुरा किया। आशीष सिर्फ अपनी आई का लाडला नहीं था, पूरी चौल की जान था वो, सबका प्यार मिलता था उसे। आशीष का फोन 15 दिसंबर की रात 9:35 को स्विच ऑफ हुआ भांडुप। उस शाम उसे कोई और कॉल नहीं आया, ना ही उसने किसी को कॉल किया। बस एक लास्ट कॉल है 8:45 पर 444-568-909 इस नंबर पर। सर फिर 10 मिनट बाद इसी नंबर पर दोबारा कॉल हुआ 8:55 पर 444-568-909। पता करो ये किसका नंबर है और आशीष बाइक पा करके कहाँ गया। लेकिन अजीब बात, आशीष रोज की तरह पानी पूरी खाकर बेकरी पर वापस नहीं लौटा। लेकिन उसके पिता को कोई चिंता नहीं हुई, फोन स्विच ऑफ हुआ तब चिंता हुई। एक और बात है सर, ये आशीष कुर्ला से घोड़बंदर किसके साथ आया होगा? इसको यहाँ घोड़बंदर में लाके मारा गया होगा या फिर सिर्फ बॉडी डंप की गई है? मुलुंड चेकनाका और दहिसर चेकनाका, इन दोनों जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। पता करते हैं कि आशीष घोड़बंदर कैसे पहुंचा, जिंदा या मुर्दा। साहब, रामकुमार जी नहीं है? जो हालत ज्यादा खराब है तो इसलिए मैं चला आया। पीके सो गए, कल इकलौते बेटे की लाश को अग्नि दी है और आज पीकर सो गए? पीना तो रोज होता है सर, पर आज थोड़ा ज्यादा हो गया। तो बेकरी कैसे चलती है? जैसे तैसे मैनेज हो जाता है सर, पर पहले ऐसे नहीं था। जब हम दो भाई उत्तर प्रदेश से यहाँ के बस गए तब कभी कभार रामकुमार भैया पी लिया करते थे शौकिया तौर पर, लेकिन ये शौक कब लत बन गई पता ही नहीं चला। और लगता है यही लत उन्होंने अपने बेटे को विरासत में दे दी। लाश के ब्लड सैंपल में हद से ज्यादा अल्कोहल के ट्रेसेस मिले। अब क्या बताएं सर, आशीष स्वभाव का बहुत प्यारा बच्चा था, पर अपने पिता के नशीले नक्शे कदम पे निकल पड़ा। इकलौता था तो लाड़ प्यार भी हो रखे थे, रोकने टोकने वाला कोई था नहीं और ना सुनने वाला। एक बार तो मैंने ही पकड़ा उसे नशे की हालत में, फिर मैंने जाके रामकुमार भैया को बताया भी था। मेरा बेटा थोड़ा बहुत पी पा लेता है और तुम कह रहे हो कि वो भटक गया? हमने खुद अपनी आंखों से देखा, आशीष ने बहुत पी रखी थी, सोचा आपको बता दें। संजय, तुमने हमने गांव में तकलीफ देखी और यहाँ आकर भी पांव जमाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। मैं वो तकलीफ अपने बेटे को झेलते हुए नहीं देख सकता। अब देखो, ये जो कुछ भी कमाया है ये सब आशीष के लिए तो है ना? हमारा फर्ज था आपको बताना, फिर ये ना हो भैया के पानी सर से गुजर जाए। पानी किसके सर के ऊपर से गुजर गया संजय? ऐसा क्या कर दिया आशीष ने? चोरी कर दी, डाका डाल दिया, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया उसने। हम दोनों भाई कोई साथ नहीं रहते साहब, काम धंधा भी अलग है हमारा।
हमारा बेटा सुनील आशीष का हम उम्र है। हमें डर था कि कहीं आशीष की तरह हमारा बेटा भी बोतल हाथ में ना थाम ले। आपके हिसाब से आशीष को किसने मारा? हमारे हिसाब से आशीष का असली कातिल नशा और शराब ही नहीं साहब, कीमती शौक पालने का नशा। किस तरह के शौक पालता था आशीष? लाश पे से तो आपको कुछ मिला नहीं। आशीष गले में दो दो चेन, तीन अंगूठियां और कान में सोने की बाली पहनता था। आशीष अपने दोस्तों के साथ पीता था? हाँ साहब, और अपने दोस्तों को भी साथ पिलाता था। 15 की शाम को वो किसके साथ बैठा था और किस बार में, वो हमें नहीं पता। संजय जी, आप लोग कुर्ला में रहते हो, घोड़बंदर से क्या कनेक्शन है आप लोगों को? हमारा तो कोई लेना देना नहीं। जी सर, मेरी और आशीष की अच्छी फ्रेंडशिप थी। हमें तुम्हारा नंबर उसके कॉलिंग कार्ड से मिला है करण। उसने तुम्हें 15 तारीख की शाम को एक बार 8:45 पे कॉल किया। उसके बाद दूसरा कॉल 10 मिनट बाद 8:55 पर। लेकिन ये बात तुमने उसके घर वालों को नहीं बताई, क्यों? सर, एक तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं और दूसरी बात ये कि मुझे मालूम ही नहीं था कि आशीष उस रात को कहाँ बैठा था और किसके साथ बैठा था। ये जो 2 कॉल उसने तुम्हें किए थे वो किस लिए किए थे? हाँ आशीष, बोल भाई। हाँ हेलो, कहाँ है तू? घर पे हूँ, और कहाँ, ये बता तू कहाँ है? यार मैं तो ये कंचन बार में बैठा हूँ, तिलक नगर वाले। क्या बात है भाई, एंजॉय कर रहा है? हाँ बहुत ज़्यादा पी लिया आज। सुन यार, अकेले घर नहीं जा पाऊँगा, तू आ सकता है क्या पिकअप करने? हाँ ठीक है, आता हूँ। कहाँ बोला तू, कंचन बार तिलक नगर वाला ना? सर बस मैं फटाफट खाना निपटा के निकल ही रहा था, उतने में मुझे आशीष का दोबारा कॉल आया। हाँ आशीष। हाँ सुन, तू निकला नहीं ना यार, रहने दे यार, मैं आप थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, आई कैन मैनेज। पक्का आशीष? पक्का ना? हाँ हाँ पक्का यार, पक्का। अपन कल बैठेंगे ना यार, लंबे टाइम के लिए, क्यों? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तू संभाल के घर जा। हाँ यार संभाल के। हाँ हाँ। और मैं गया ही नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आशीष गायब हो गया है। मुझे तब पता चला जब उसकी बॉडी मिली। तिलक नगर के कंचन बार में वो किसी के साथ था? किसके साथ था ये तो पता नहीं, पर उसके साथ कोई ना कोई तो जरूर होगा। वो अकेले बैठ के कभी नहीं पीता था। रामकुमार जी, आपका बेटा किसी के साथ घोड़बंदर क्यों गया होगा? कैलाश पता करो, इस कंचन बार में आशीष के साथ दूसरा कौन था? जरूरी नहीं कि आशीष का दोस्त किरण सच बोल रहा हो। तो पहले इस किरण के हक में हाथ डालो, अगर सच कहीं अटका है तो खींच के बाहर निकालो। सर वैसे आशीष काफी बिंदास और मौज मस्ती वाला लड़का था। राइट सर, पूरा चौल तो यही कहता है। उसकी पीने की बुरी लत के बावजूद चौल के सारे लोगों से प्यार करते थे। लेकिन कोई तो था जिसे उसका पीना खटकता था, पर इतने के लिए मर्डर? इस कंचन बार को तुरंत स्कैन करो। वो हमारा घोड़बंदर में एक छोटा सा 1 BHK मकान है, ऐसा कहीं लगाना था इसलिए खरीदा था। खाली है? आशीष कभी जाता था वहाँ? जी नहीं, किराए पर चढ़ाया है। फिर तो किराया लेने जाता होगा, है ना? जी नहीं, 11 महीने का किराया एक साथ दे देती थी पार्टी। मैं किराया लेने भी जाता तो इतनी रात गई वो क्यों जाता वहाँ? रामकुमार जी, आशीष रोज एक फिक्स टाइम पर पानी पूरी खाने निकलता था बेकरी से, और फिर खाकर वापस भी लौटता था। बस एक दिन 15 दिसंबर को वो वापस नहीं लौटा तो आपने फोन नहीं किया जानने के लिए? नहीं किया, मुझे पता नहीं था कि वो वापस नहीं लौटेगा। ऐसा कभी नहीं होता था, चाहे जितनी रात हो गई हो, चाहे जितना नशा किया हो, आशीष घर जरूर लौटता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो बिना बोले रात में घर से बाहर रहा हो। सावित्री जी, क्या आपके परिवार में किसी से कोई दुश्मनी या बाहर किसी से कोई अनबन? आशीष का बस एक दुश्मन था, नशा। तूने मुझे जुबान दी थी, कसम खाई थी कि तू अब फिर से नहीं पिएगा। मैंने इसे बेकरी से पैसे देना बंद कर दिया तो फिर ये पीने पीने के लिए इसके पास पैसे आते कहां से हैं सावित्री? कहीं दो तो नहीं देती इसे पैसे? इसने आज घर के सारे काम कर दिए थे, मतलब एक एक काम, इसलिए मैंने दिए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि
ये उन सारे पैसों की शराब पिलेगा। बिजली बिल भर दिया, गैस का बिल भर दिया, टीवी और मोबाइल का रिचार्ज भी कर दिया, सारे काम कर दिया आपके। और ये खरीद लाया मार्केट से, तुमने मांगा नहीं था फिर भी ले आया। वो किचन का डब्बा देखा है, एकदम मोहनजोदाड़ो हो गया, दे दो किसी म्यूजियम में। जब तू इतने अच्छे से सारी जिम्मेदारी निभाता है ना, तो मेरा दिल फूल के गुब्बारा हो जाता है। और जब कोई मेरी मेहनत का ना मुझे कोई छोटा सा टिप दे देता है, ये कोई 5,000 रुपए, तो मेरा भी दिल फूल के गुब्बारा हो जाता है। 5,000? हाँ माँ, इतने सारे काम कर दिए आपके सवेरे से, अब इतने सारे काम करने का 5,000 तो बनता है। तूने बीच में कॉलेज छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, कोई सख्ती नहीं जताई। बेटा मुझे लगा था तुझे पैसे जूतों कपड़ों के लिए चाहिए, तू उन सारे पैसों की शराब पी गया, ये बहुत गलत बात है। अम्मा, रोज रोज बेकरी बंद करने के बाद पापा वाइन शॉप जाते हैं, वहाँ पे एक क्वार्टर खरीदते हैं, और वही क्वार्टर गली में 3 घूटों में अंदर कटक जाते हैं, फिर घर आते हैं पापा। देख, मुझ में और तुझ में फर्क है। क्या फर्क है पापा? आप भी दिन भर बेकरी में काम करते हो, आपके नीचे मैं काम करता हूँ, काम में अगर मेरे को कमी हो तो बताइए ना। तू अभी सिर्फ 24 साल का है, तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। ये सब छोड़िए, आप लोग एक बात मुझे बताइए, आज तक इस घर में आपको कोई शिकायत लेके आया कि तुम्हारा लड़का शराब पी के बदतमीजी कर रहा था, नाली में गिरा पड़ा हुआ था, अपनी लिमिट नहीं मालूम है, या फला लड़की को छेड़ रहा था, किसी ने बोला कुछ? और ऐसा भी नहीं कि पैसे नहीं होते तो मैं किसी दूसरे के घर में जाके उससे उधार मांग के शराब पी रहा हूँ या चोरी चकारी कर रहा हूँ। और आप दोनों का मुझे ये शराब को लेके ऐसे टोकना बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा आपका भी, हाँ, मेरे दिल में आता है तो मैं पी लेता हूँ, मेरे दिल में नहीं आएगा तो मैं नहीं पीऊँगा। सोना पसंद था उसे, हमने कहीं मना नहीं किया, बना दिया उसके लिए अंगूठियाँ चेन जो उसने कहा। लेकिन एक बात बोलूँ, वो पीता पीता था लेकिन उसूलों का बड़ा पक्का था, कभी अय्याशी नहीं की, कभी किसी औरत के साथ उसने बदतमीजी नहीं की। एक लड़की से प्यार किया, वो भी उसने हमें आकर बता दिया, और हमने भी उसे दिल से मंजूरी दी, उसकी तो उसके साथ शादी होने वाली थी। कौन थी ये लड़की जिससे आशीष शादी करने वाला था? हाँ अदिति, मैं कल से ज्वाइन करूंगी। ओके, तो शरद सर से कह देना कि नहीं, कुछ मत कहना, कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। शिल्पा बेटा बाहर ये पुलिस आली। साहब अगर ये रेगुलर कस्टमर होता तो मैं फटक से पहचान जाता, वैसे 15 की रात को मैं होटल में नहीं था साहब। आपके बार में सीसीटीवी है? नहीं साहब। नहीं क्यों? वो अभी तक लगवाया नहीं साहब। किस बात का इंतजार कर रहे हो? अभी जल्द से जल्द लगा दूंगा साहब। आपके बार में कोई तेज नजर वाला, कोई तेज यादाश्त वाला वेटर है? वैसे सभी तेज है, पर मुझे नहीं लगता है कि वो लोग याद करके बता पाएंगे। आप बोलते हो तो मैं अभी उन लोगों को पूछ लेता हूँ साहब। अभी जाकर पूछो कि 15 तारीख को आपके बार में ये लड़का किसके साथ था। सर, आशीष ने बाइक कुरला स्टेशन पर छोड़ी और वहाँ से यहाँ चल के आने में कम से कम 10 मिनट लग जाते। उसने बाइक स्टेशन पर छोड़ दी, मतलब उसके साथ 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे। हाँ सर। सर यहाँ से कुरला स्टेशन के रूट पर कोई ना कोई दुकान तो होगी जिसके सीसीटीवी में शायद ये लोग दिख जाए। जाओ और जाकर खंगालो इस रूट के सीसीटीवी। जी, आशीष मेरा बॉयफ्रेंड था। सिर्फ बॉयफ्रेंड? आशीष के माँ बाप तो कह रहे थे कि शादी की बात चल रही थी, और सुना आप लोगों ने भी मंजूरी दे दी थी। हाँ हमारी मंजूरी थी, मगर आशीष को कुछ बातें मंजूर नहीं थी। कैसी बातें शिल्पा? आई पक्का तुझे कोई एतराज नहीं है? हाँ बेटा, अरे भले ही वो परप्रांत का लड़का है लेकिन कितने साल हुए हमारे पास में ही रहता है, अच्छा लड़का है और उसके घर वाले भी अच्छे लोग हैं। शिल्पा एक बात फ्रेंकली बोलो। हाँ दादा। आशीष और तेरी बचपन की दोस्ती है, प्यार हो गया समझते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू ग्रेजुएट है, कॉल सेंटर में जॉब करती है, और वो आशीष 12वीं फेल है, अपने बाप की बेकरी चलाता है। चल मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रोज रात को दारू पीता है, तू बेवड़े से शादी करेगी क्या? कुछ भी है दादा, बेवड़ा वगैरह बोलू ना कुछ आशीष ला। इस उम्र में जो रोज शाम को दारू पीता है उसे बेवड़ा नहीं तो क्या बोलूंगा मैं? और उसके पूरे घर वालों को पता है, वो उसके चाचा संजय चाचा उनको भी पता है, सब जानते हैं, लेकिन बेवड़ा शब्द बोलने से रह जाते। आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं दादा, आशीष उतनी भी ज्यादा शराब नहीं पीता। उसे पूछ के देख कि वो शराब छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं। लेकिन वैसे तो आशीष अच्छा लगता है ना आपको? शिल्पा मुझे तू अच्छी लगती सबसे ज्यादा। किसी दिन शराब पीकर उसने तेरे पे हाथ वाथ उठाया ना,
तो तू तो प्यार का सोच का झेल लेगी, लेकिन मैं नहीं चलूंगा ये शपथ। एक मिनट, तूने आज तक मुझे पिए या बिना पिए किसी पे हाथ उठाते देखा है क्या? नहीं। तो फिर तू ड्रिंक क्यों करता है? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, ये क्या बात हुई? देख आशीष, तू पीना छोड़ दे। मेरे आई दादा अग्री हैं, तेरे मम्मी पापा अग्री हैं, मैं भी अग्री हूँ। वाह, तो तू ही अग्री नहीं थी अब तक। आशीष बाबू, पीना अच्छा नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं होती, लेकिन लिमिट के बाहर। मुझे अपनी लिमिट मालूम है और मैं शौक से पीता हूँ। जैसे अंगूठी, ये मेरा शौक है। ये गले की चेन, ये मेरा शौक है। तो मुझे ये किसी शराबी की तरह ट्रीट मत कर, समझी? हाँ, तो शराबी रातों रात तो नहीं बनते ना, रोज पीते पीते ही बनते हैं। तुम भी बन जाओगे और फिर मुझे पीटोगे भी। मैं ये सब नहीं झेलूंगी, हाँ कह देती हूँ। कैसी बात कर रही है तू? तुझ पर हाथ उठाऊंगा मैं, हाँ मेरी जान पर। जान होना तेरी, तो फिर अपनी जान के लिए एक शौक नहीं छोड़ सकते तू? आशीष तुम्हें चुनना होगा, जान या शराब। यार ये कैसा धर्म संकट है यार? कोई धर्म संकट नहीं है आशीष। 6 महीने तक तुम एक ड्रॉप भी नहीं पियोगे, तभी हमारी शादी होगी। उसने फैसला कर लिया था, उसके लिए मुश्किल नहीं था, मगर मेरे लिए। थैंक्स आशीष, कम से कम तुमने मेरी आंखें तो खोल दी। ऐसा नहीं है यार, लेकिन मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, और तू भी मुझ पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकती है, समझी? तुझे तेरी शराब उस चीज से ज्यादा पसंद है जिसे तू प्यार समझता है। और जिसे तू प्यार समझती है वो प्यार नहीं, लगाम है। मैंने तुझे कोई चीज छोड़ने पकड़ने को बोला क्या? तुझे कभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी आशीष, क्योंकि मैं हमेशा पूरी की पूरी तुम्हारी रही हूँ। मगर तुम शराब के कब बन गए ये मुझे पता ही नहीं चला। 6 महीने पहले हुआ था ये, कहने को तो ब्रेक ऑफ था, मगर मैं जानती थी आशीष और मैं वापस जरूर मिलेंगे, वो मान जाएगा। और मैं तब तक वेट करने के लिए तैयार थी मैडम, जब तक आशीष शराब नहीं छोड़ देता। मगर आशीष तो मुझे ही छोड़कर चला गया। किसने मैम, किसने मार डाला मेरे आशीष को? कादिर, मैं अपने कांस्टेबल चौल में नहीं भेजना चाहती हूँ, पर मुझे आशीष की गर्लफ्रेंड शिल्पा मोरे का बड़ा भाई संदीप मोरे, इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है मैडम, स्पॉट लगा देता हूँ इस संदीप मोरे के पीछे। शिल्पा आशीष के अलावा किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने आशीष के सामने दारू छोड़ने की कंडीशन भी रखी थी। समझे मैडम। लेकिन आशीष दारू छोड़ने को रेडी नहीं था। मतलब संदीप के पास एक बहाना था शिल्पा की जिंदगी से आशीष को आउट करने का। मतलब जिंदगी से आउट? कुर्ला स्टेशन और तिलक नगर, जहां पर कंचन बार, और हमें उसकी लाश मिली यहाँ गोडबंदर की खाड़ी के पास। सर वो 2 या 3 जितने भी लोग थे शायद आशीष को जानते थे। आशीष का दोस्त किरण अब भी हमारी रडार में है सर। हालांकि उसके फोन लोकेशन रिकॉर्ड शो करते हैं कि 15 की पूरी शाम और रात को वो अपने घर पर ही था। ये किरण उसके कई दोस्तों में से एक था ना, उसके कई ड्रिंकिंग पार्टनर थे जिन्हें वो पूरी दिलदारी के साथ मिलाता था। जी हाँ सर, इनमें से कई सारे दोस्तों को उठाकर मैंने क्वेश्चनिंग भी की। सर ये सच है कि हर बार ड्रिंक्स का बिल वही भरता था, लेकिन हम कभी कभार ही बैठते थे उसके साथ। वो कई लड़कों को पिलाता, उन्हीं में से मैं भी एक था, लेकिन उस रात में उसके साथ नहीं था। सर हर बार बिल वही भरता था और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मुझे उसके साथ बैठे 1 साल के ऊपर हो गए, उसके लास्ट बर्थडे पर बैठे थे। सर ऐसे टोटल 19 पीने वाले पार्टनर्स कम दोस्तों से बात की मैंने, उनके कॉल रिकॉर्ड्स क्लीन है। मर्डर की रात को आशीष के आसपास भी नहीं थे ये लोग। सर 15 दिसंबर की शाम को आशीष ने अपने किसी भी दोस्त को फोन करके बुलाया नहीं, पर सर जब वो पानी पूरी खाने गया होगा तब उसे कोई रास्ते में मिला होगा। आशीष, आशीष कैसा है भाई तू? हमेशा की तरह मस्त। तू बता कहाँ था इतने दिन? बस भाई तुझसे ही मिलने आ रहा था। हाँ तो बोलना क्या बात है। तुम्हारा अनुमान सही लग रहा है गायत्री, तुम्हारी थ्योरी भी सही लग रही है। वो 2 या 3 लोग होंगे जो बाइक पर नहीं आ सकते थे, इसलिए आशीष ने अपनी बाइक कुर्ला स्टेशन पर पार्क कर दी होगी। इसीलिए उसने अपनी बाइक पार्किंग में ही रहने दी होगी और अपने दोस्त किरण को फोन करके बुलाया होगा। ये पॉसिबिलिटी भी लग रही है। वो जो लोग भी थे जो आशीष को मिले या उसे मिलने के लिए भेजे गए, उनका पहले से प्लान था आशीष को मारने का। आशीष के गले की चेन्स, कानों की बालियां और अंगूठियां, ये सब निकाले गए। अगर नहीं निकाले जाते तो शक डायरेक्ट मर्डर पर जाता, जो कि अटैक का असली मकसद था। इतने खुश मिजाज और पॉपुलर यंग लड़के के कत्ल का कारण क्या हो सकता है? सब पीने की आदत। शायद आशीष की पीने की आदत से किसी को कोई प्रॉब्लम थी। पीता था इसलिए मार डाला। मर्डर का ये मोटिव थोड़ा हल्का लग रहा है, पर हमने मर्डर्स किन किन कारणों से होते नहीं देखे, इसलिए मैं इसको रूल आउट तो नहीं करूंगा। सर अगर हम ये फैक्ट पकड़ के चले
कि पीता था तो मार डाला। तो हमारे सामने तीन सस्पेक्ट है। पहला आशीष के माँ बाप, दूसरा आशीष के चाचा संजय जायसवाल, और तीसरा आशीष के चाचा संजय जायसवाल का बेटा सुनील जायसवाल। शिल्पा को रूल आउट नहीं करते हैं सर। आशीष ने शराब की वजह से उसे रिजेक्ट किया था, काफी स्ट्रॉन्ग मोटिव बनता है। सर शिल्पा का भाई संदीप, संदीप को भी आशीष पे काफी गुस्सा रहा होगा। या फिर कोई और करीबी बंदा या बंदी जिसे आशीष के पीने की आदत से चोट पहुंची होगी, दर्द हुआ होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था राम कुमार, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। सबकी मदद करता है, दयालु लड़का था, कभी कोई गलत काम नहीं किया। कितना साफ दिल था आशीष बाबू का। क्या कर सकते हैं आप, जब आपकी आंखों के सामने आपका लाडला धस रहा हो खतरों के दलदल में, पर मदद के लिए दिया हुआ हाथ भी नहीं पकड़ रहा और ना ही आपकी आवाज सुन रहा। हाँ, दिल का बहुत साफ था आशीष। ऐसे साफ दिल वाले लोग दुनिया में कहां मिलते हैं? मतलबियों की दुनिया। वो दिल खोल कर पैसे उठाता और हर कोई दोस्त बनकर पीने आ जाता। क्या पता इनमें से किसी ने उसे मार डाला या फिर किसी और ने, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। सर गुड लक है, कुरला स्टेशन से कंचन बार की तरफ जाने वाले रोड पर एक हार्डवेयर शॉप है जिसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ मैडम, मैडम ये शिल्पा के भाई संदीप के बारे में कुछ खास खबर नहीं मिली अब तक। ये एक मेडिकल कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट में सर्विस करता है मैडम। हाँ मैंने फोन रिकॉर्ड्स खंगाले पर कुछ खास मिला नहीं। कैथरी सर, एक सीसीटीवी में आशीष दिख गया है, उसके साथ वो बंदे हैं लेकिन उनके चेहरे नहीं दिखे। ये तो अच्छा है ना सर, पीठ से भी काफी कुछ पता चल सकता है। आशीष के कॉलिंग कॉर्ड से भी हमें कुछ मिला है। 15 दिसंबर की दोपहर को 1:30 बजे उसके चाचा संजय जायसवाल ने उसे कॉल किया था। ये चाचा हमारे शक के दायरे में पहले से ही था तो मैंने इसके कॉलिंग कॉर्ड्स निकलवाए। पता चला कि इसने ये जो कॉल किया था 1:30 बजे आशीष को, ये घोड़बंदर से किया था। सर राम कुमार का कजन ब्रदर है संजय जायसवाल, इसके भी कुरला में वैसी ही एक बेकरी है लेकिन राम कुमार की बेटर बिजनेस करती है। और इस संजय जायसवाल को अपने भाई राम कुमार से शिकायत थी कि वो अपने बेटे आशीष को भटकने दे रहा है, क्योंकि उसे लगता था कि इसके चलते उसका बेटा सुनील भी भटक सकता है, शराब पीनी शुरू कर सकता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये चाचा घोड़बंदर के सुनसान इलाके में लोकेशन देखने गया हो जहाँ वो आशीष को मार सके, और ये उसके आदमी थे जो आशीष को वहां ले गए और उसे खूब शराब पिलाकर मार दिया। पॉसिबल है। तो उठवाए इस चाचा को सर? अभी नहीं, पहले सीसीटीवी के ये दोनों बंदे या दोनों में से कोई एक आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद धर लेंगे मास्टर भाई। मम्मी मैं बेकरी जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, संभाल के जाना। हाँ सर, 6:05 पर तीनों दिखेंगे, आशीष और उसके साथ के बाकी दोनों। नो डाउट ये आशीष है, साफ दिख रहा है, लेकिन बाकी दोनों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं सर। सर पर सब एक ही उम्र के लग रहे हैं, लगता है इन्होंने अपनी बाइक पार्किंग लॉट में छोड़ी और बार की तरफ बढ़ गए। गुड जॉब मालिक, बढ़िया काम किया तुमने। थैंक यू सर। अब इसी जोश के साथ आसपास के जो दूसरे सीसीटीवी है वो भी स्कैन करो, अगर ये एक बार भी हमें बार में जाते वक्त या बार से निकलते वक्त दिख जाए तो समझो केस क्रैक होना शुरू। सर हर मुमकिन जगह पर ट्राई कर रहे हैं, दो कांस्टेबल्स चेंबूर और घाटकोपर तक चेक कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनकी पीठ देखकर इनके कोई चेहरे पहचानता है क्या। नहीं सर, मुझे नहीं पता कि ये दोनों कौन है। क्या ये दोनों आशीष के दोस्त हैं जिन्हें आप जानते हैं, या इस चौल में रहते हो ये?
सॉरी मैडम, मैं आशीष के उन दोस्तों से ताल्लुक नहीं रखती थी जिनके साथ वो शराब पीता था, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि उसके एक भी दोस्त को मैं नहीं जानती थी। जानती नहीं हो पर शायद तस्वीर देख के पहचान सकती हो। ये देखो, ये लाल स्वेटर वाला बंदा, इसे पहले कभी देखा है? ना, ये दोनों कुछ पहचाने से नहीं लगते। और वैसे भी आशीष के दोस्तों को मैं कैसे पहचानूंगा? सुनील और सनी, तुम आशीष के हम उम्र हो तो तुम्हारे कॉमन फ्रेंड्स तो होंगे ही। नहीं सर, मैं सिर्फ आशीष भैया से क्लोज था, उनके दोस्तों से नहीं। इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में से ऐसा कोई है जो आशीष का दोस्त हो? आशीष जब तुम्हें रोज सेवपुरी पार्सल देने आता था, कभी देखा उसके साथ किसी को? साहब वैसे मुझे जब सेवपुरी देने आते, आशीष बाबा हमेशा अकेले ही रहते, और साहब ऐसे पीछे से देखकर कौन पहचान पाएगा कौन है दोनों? जिंदगी वेट करेगी उसका और वो पूरी जिंदगी पीपी के बर्बाद करेगा। शिल्पा हर तरह से अच्छे और एक से एक रिश्ते आ रहे तेरे लिए, तुझे ना आशीष के भूत को बुलाना होगा। शिल्पा बेटा, संदीप बिल्कुल ठीक कह रहा है, आशीष कभी दारू नहीं छोड़ेगा। आई दादा, मुझे आशीष पर पूरा भरोसा है, वो पक्का शराब छोड़ देगा और सीधा मेरे पास आ जाएगा। साहब घाटकोपर के मोमिन बाड़ी से बोल रहा हूँ। एक बंदा है जो 15 दिसंबर की रात से गायब था और आज एक जोहरी के पास अंगूठी बेचने निकला है। कौन है ये? यूसुफ खान नाम है, कोई हिस्ट्री नहीं है अब तक, लेकिन बंदा काफी चैप्टर है। और यही मोमिन बाड़ी से एक और पंटर है नबील, साथ लफड़े करते हैं, और ये नबील भी 15 की रात से ही गायब था, आज 22 को ही उभरा है। सर इकबाल खबरी का कहना है कि लाल स्वेटर वाला यूसुफ हो सकता है और ये बगल वाला नबील, ये दोनों पिछले एक हफ्ते से गायब है। ले आओ दोनों को, पता तो चले एक हफ्ते से साले कहानी मून बना रहे थे। अरे साहब, साहब रुको। अरे हमें क्या लल्लू पंजू समझ के रखा है क्या कि जब जहाँ हमारे लड़कों को उठा के लेके जा रहे हो, हमारा ना लेना ना देना, कहीं कुछ हुआ आ जाते हैं हमारे लड़कों को परेशान करने। ओ साहब बताओ तो सही, हम लोग क्या किए ले साहब? ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, अब काम के लिए मुंबई से बाहर जाना गुनाह कब से हो गया? अरे एक बात याद रखना साहब, मेरे लड़कों को खरोच भी आई ना, सस्पेंड करवा दूंगी तुम सब लोगों को, आखे मुंबई बंद करवा दूंगी, समझे तुम लोग? जीनत खान नाम है मेरा, जीनत खान। सब माँ कसम, हम लोग को मालूम ही नहीं है कि आशीष जायसवाल कौन है, क्या है। सब ये नाम तो हम लोग ने पहली बार सुने ला। ये लाल स्वेटर वाला तो तू है, ये कौन है? तू है नबील या फिर तुम्हारे गैंग का कोई तीसरा आदमी है? साहब ये आप क्या बोल रहे ले? ये मैं हुई नहीं साहब। साहब आप भी जानते अपन है ही नहीं साहब। ये अंगूठी किसकी है जिसे तू बेचने की कोशिश कर रहा है? मेरी है साहब। बिल कहाँ इसका? साहब ये बहुत पहले की है तो बिल गुम हो गया साहब। यूसुफ, हमने सुना था कि तेरी अम्मी हम सबको सस्पेंड करवाने वाली थी। अरे साहब वो गुस्से में बोल दी होगी, माफ कर दो ना। गुस्से में नहीं, डर से बोली, क्योंकि उसे मालूम है कि तुम 15 दिसंबर की रात को क्यों गायब हुए, और वो ये भी जानती है कि आज एक हफ्ते के बाद तुम लोग सामने क्यों आए। अब उसे उठवा कर पूछवा या तू खुद बोलेगा? साहब हम लोग वाकई आउट ऑफ मुंबई गए लेते साहब, काम से। हाँ साहब काम के वास्ते गए थे हम लोग बाहर, और मर्डर वर्डर अपना लाइन है ही नहीं साहब। तो फिर क्या लाइन है तेरी? शर्मा मत, यहाँ सब अपने ही लोग हैं। बोल। हाँ माने, कुछ मिला क्या? फेसिंग मिल गया मैडम। कहाँ मिला? यही तिलक नगर में, कंचन बार से 15 मिनट की दूरी पर एक वाइन शॉप है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का दारू खरीदते हुए दिखा है, जो कि आशीष के साथ चल रहे दो लड़कों में से एक लग रहा है। और ये एक ही है, सेम शर्ट, इन्होंने और शराब खरीदी और फिर यहां से निकले होंगे गोट बंदर की ओर। सर ये नबील तो नहीं है,
और अगर वो रेड स्वेटर वाला यूसुफ है तो ये कोई तीसरा बंदा होना चाहिए। सर जैसा कि हमने शुरू में अनुमान लगाया था, दो तीन लोग थे, शायद तीन थे। यूसुफ यहाँ है और ये तीसरा यहाँ है। नबील सीसीटीवी कैमरे के फ्रेम से शायद बाहर रह गया हो। भाई पुलिस को क्या बोलना है? बोलना क्या है, वो ही बोलेंगे कि हम लोग कुछ नहीं खेले हैं, ना यहाँ ना वहाँ, समझा? समझा। बस मेरी अम्मी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग कुछ लफड़ा किए हैं, नहीं तो अम्मी उधर के उधर हाथ खड़ा करेंगी यार। सर जो सोने की अंगूठी इन्होंने बेची, वो अंगूठी हमने रिकवर की जौहरी की दुकान से, लेकिन आशीष के पेरेंट्स और उसकी गर्लफ्रेंड शिल्पा का कहना है कि अंगूठी उसकी नहीं है। सर शौकीन बंदा था, हो सकता है उसने ये वाली अंगूठी खरीदी और अपने घर वालों को ना बताया हो। और सर शिल्पा से तो वो कई अरसे से नहीं मिला था, और ये वाली खरीदी हो शायद वो अपने पॉकेट में रखता हो या वॉलेट में रखता हो। इस यूसुफ और नबील की जोड़ी का कुछ ना कुछ झोल जरूर है। मर्डर के तुरंत बाद दोनों गायब हो गए, दोनों ने अपने फोन स्विच ऑफ किए, फिर अचानक से अंगूठी भेजी। पता करते हैं कि मर्डर का मकसद लूट था या फिर दोनों को मर्डर करने के लिए किसी और ने भेजा था। इस यूसुफ और नबील के मूवमेंट सस्पिशियस तो थे, पर क्या इन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशंस उन्हें मर्डर से डायरेक्टली लिंक कर रहे थे? नहीं, डायरेक्ट तो कोई लिंक नहीं बन रहा था। मर्डर काफी प्लान तो लग रहा है सर, ये यूसुफ नबील और वो तीसरा बंदा जो सीसीटीवी में दिख गया था, इन तीनों ने मिलकर आशीष का मर्डर किया होगा। और प्लान कुछ ऐसा बना होगा कि शराब में नशीली दवाई मिलाकर आशीष को पिला देना और किसी तरह उसे गोड़बंदर ले जाके वहां पे मार देना। प्लान क्लियर था, आशीष जायसवाल का मर्डर। इस प्लान को सामने लाने में समझने में हमें कम से कम एक महीना और लग गया। उस वक्त हमें एक चीज मालूम नहीं थी, हमने जिन जिन लोगों को हार्डवेयर शॉप का सीसीटीवी ग्रैब दिखाया सभी ने उसे देखकर यह कहा कि वो इस बैक टू कैमरा पिक्चर को नहीं पहचानते। पर एक इंसान था जो झूठ बोल रहा था, दरअसल उसने कातिल को पहचान लिया था। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.